आपकी आइडियोलॉजी कितने साल से जुड़ी हुई है? मेरे पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे तो नहीं थे पर गांव में सरपंच थे और वो 18 साल गांव में सरपंच रहे। और उस दौरान जब देश के बड़े बड़े नेता हमारे क्षेत्र में आते थे तो हमारे पिताजी के आसपास हम रहते थे बचपन पे, तब उनके विचार सब देखे, सर्वधर्म सम्मान सब लोगों को लेके चलना, गरीबों की चिंता करना, व्यापारियों की चिंता करना, और तब से ऐसा लगा था कि ये पार्टी बहुत अच्छी है और फिर उसको पढ़ा समझा तो उसी लिए हम कांग्रेस में सम्मिलित हुए। जी आप सूरत में कितने साल से हैं? मुझे करीब करीब 18 साल से ऊपर हो गया। तो पहले आप कहाँ पर रहते थे? मैं अहमदाबाद और उससे पहले राजस्थान। तो ये जो सूरत है, 18 साल से सूरत में आपने आपका नींव डाला हुआ है, सूरत ने आपको बहुत कुछ दिया है और अब आप सूरत को वापस देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसा मैं समझ सकता हूँ? बिल्कुल, इस सूरत ने मुझे जो दिया है, मैं ज़िंदगी में ये सूरत को अब छोड़ना भी नहीं चाहूँगा। हो सकता है मेरा जन्म राजस्थान में हुआ हो पर मैं अपनी अंतिम सांस इसी सूरत में लेना पसंद करूँगा। आप सोशल सर्विस के बारे में बात करते हैं, अभी तक आपने कौन से सामाजिक कार्यक्षेत्र में काम किया है? जैसे लोगों को आँखों में प्रॉब्लम होती है तो उनके ऑपरेशंस हमारे समाज के द्वारा करवाए जाते हैं, तो हमारे समाज में हम जुड़े रहते हैं। विकलांगों के लिए, पाँवों के लिए हम लोग हर 2-3 महीने बाद कैंप लगाते रहते हैं। उसके अलावा मार्केट विस्तार में व्यापारी की समस्याओं को लेके, आपको ध्यान ही होगा कि गैस की प्रॉब्लम आई थी तो मैंने सारे मिल वालों को लेके सेंट्रल में गया था। एक्साइज की प्रॉब्लम थी हमारे ट्रेडर्सों की, तब आंदोलन भी हुआ था हमारा, यहाँ मार्केट विस्तार 21 दिन बंद हुआ था, तब आगेवानों में मैं था। और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभिन्न समस्याओं को लेके मैं हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ सुनती नहीं है, पर जो सेंट्रल से लगते मुद्दे हैं वो मैं लेके जाता हूँ और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे आगेवानी देते हैं। अब उनके भरोसा का कारण वो जानते हैं पर भरोसा करते हैं लोग मुझ पर, और इसीलिए मैं उनकी समस्याओं को सेंटर तक उठाता हूं और जितना हो सके निवारण करने की कोशिश करता हूं। दरबार जी, आपने दोनों जो समस्या बताई, गैस की समस्या बताई, आपने एक्साइज की समस्या बताई, लेकिन उसका उकेल तो अभी तक नहीं आया है। जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय के लिए तो आपने क्या किया फिर? आपको पता होगा गुजरात गैस एक जो कंपनी है और उनके जो मैनिफेस्टो में जो जो काम है और यहाँ के लोकल जो गुजरात कि जितने भी यूनिट्स हैं, कुछ कानूनन अड़चने हैं, इसीलिए उसको लेके सारे मिल वाले खुद अब प्रयत्न में लगे हैं कि भाई जो कानूनन अड़चने हैं वो हम इसको ठीक ढंग से करें। वो उनका जब अपना काम हो जाएगा, उनकी जब अपनी कंपनी हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको गैस देगी, उनको ये प्रॉमिस कर चुकी है गवर्नमेंट। एक्साइज के लिए? एक्साइज का तो मुद्दा ही नहीं रहा। केंद्र सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी का तो अभ्यास आपको होगा ही, टेक्सटाइल पॉलिसी से क्या फ़ायदा हुआ सूरत की इंडस्ट्री को? आप देखते हैं इतने हजारों लाखों लूम्स लग गए, एम्ब्रॉयडरी मशीनें लग गई, टफ की योजना, ये बिना सेंट्रल की मदद से आपको लगता है पॉसिबल होता? सिर्फ और सिर्फ सूरत के अंदर टेक्सटाइल क्षेत्र में यदि कहीं मदद हुई है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी सुविधा नहीं दी, एक भी। मिलों के अंदर पानी के भाव इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि मिलों वाले परेशान हैं। प्रदूषण को लेके सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोकल लोग और स्टेट के लोग, उनको पैसों में इंटरेस्ट है, मिल वालों को ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है। आज पोजीशन ये है कि मिल वाले हम जाते हैं तो हमारे साथ ओपन आने को तैयार नहीं होते, डरते हैं कि नहीं भाई हमें स्टेट गवर्नमेंट वाले परेशान करेंगे। ये जो डर की राजनीति है, इससे आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री धनपति जैन से, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मजूरा विधानसभा मत क्षेत्र से। मजूरा विधानसभा मत क्षेत्र का समीकरण क्या है, ज्ञाति जाति का समीकरण क्या है, वोटों की जो डिवीजन है वो किस प्रकार से है और इस समीकरण में आप कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि ये सीट है वैसे बीजेपी डोमिनेटेड है। मैं जातिगत आधार पर नहीं जानना चाहता हूँ और ना मैं सोचता हूँ। बीजेपी डोमिनेटेड सीट आप कह सकते हो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो अब जिस जगह जा रहा हूँ, जिन जिन लोगों के पास जा रहा हूँ और मुझे जो सामने से लोग जिस तरह से बिठा के बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उससे हो सकता है भूतकाल में यहाँ पे बीजेपी के
विधायक जीतते हो, पर शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। दंपति, आप जब लोगों के साथ बैठते हैं तो आप बोलते हैं कि लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, कौन सी समस्या बाकी रह गई है इस विधानसभा मत क्षेत्र में? आपने इस विधानसभा क्षेत्र को शायद ढंग से नहीं देखा निखिल भाई। देखिए आप, इस विधानसभा क्षेत्र में 50% लोग बिना रोड हैं, बिना पानी हैं, गटर सुविधाओं के नाम पे उनको सिर्फ धोखा है, लाइट की परेशानी है। आप चलिए मेरे साथ, कम से कम आधे मतदार लोग जहाँ रहते हैं, आप पार्ले पॉइंट मत देखिए, गोड़दौड़ रोड मत देखिए, सिटी लाइट मत देखिए, इसके बाद रसूलाबाद साइड आइए मेरे साथ। गंदगी म्यूनसिपलिटी वाले उठाना ही पसंद नहीं करते, क्यों? कि वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कांग्रेस के वोट हैं। उसके बाद आप मेरे साथ चलिए बमरोली में। मैं कल पूरे बमरोली विस्तार में 50 बूथों पे गया हूँ, गली गली, सोसाइटी सोसाइटी, आज एक भी सोसाइटी मुझे रोड नहीं मिला। सारे लोगों ने मुझे ये शिकायत की और ऐसा कहा कि आपको वोट तब देंगे रोड बना लो, आपको वोट तब देंगे पानी लाओ। मैंने बोला भाई मैं तो कांग्रेस से आता हूँ, यहाँ की म्यूनसिपलिटी भाजपा वालों की है। बोले इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि ये भाजपा वाले यहाँ काम करने नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं आपको जीता है। तो वहाँ पे इतनी पोजीशन है, और मैं तो आप मीडिया भाइयों से निवेदन करूँगा कि सिर्फ पार्ले पॉइंट, घोड़दौड़ रोड, सिटी लाइट को मॉडल बता के सूरत में विकास न बताएं। आधे से ज़्यादा लोग मेरी ही विधानसभा के, पूरे सूरत की तो बात करूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं। और यही मेरे मुद्दे हैं, व्यापारी अपनी जगह हैं, लेबर अपनी जगह हैं, और सबको सबको अधिकार है इस देश में ढंग से जीने का, सारी सुविधाएं प्राप्त करने का। तो ये जो लोग अंतर करते हैं पार्ले पॉइंट को दिखा के, साहब हमने बहुत विकास कर दिया, अरे इसका दूसरा रूप भी तो देखिए। नहीं, आपने बताया, सही बताया कि ये दूसरा रूप तो आप देखिए, लेकिन ये बातें कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कॉरपोरेटर जो भी यहाँ पर हयात है, या तो कांग्रेस की जो भी लोकल बॉडी है, वो ये प्रश्न कभी क्यों नहीं उठाती है? आज आप ये प्रश्न उठा रहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका जो सबल तरीके से निभानी चाहिए वो कांग्रेस क्यों नहीं निभाती है? दैट इज योर फेलियर। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, और मैंने परसों ही पता किया था, हमारे कॉरपोरेटरों से बात की थी, वो बता दें हमने समय समय पे ये बात उठाई और लिखित में दिया हुआ है म्यूनसिपलिटी में। यदि आपको रिकॉर्ड चाहिए तो मैं आपको रिकॉर्ड ला के दूंगा, उन सुविधा जो नहीं है उसके बारे में म्यूनसिपलिटी के अंदर जब जब इनकी बैठक हुई उन्होंने ये बात उठाई है। पर इस पर ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा है, कॉरपोरेटर कांग्रेस के, और इसलिए काम नहीं करते हैं। दंपत जी, आपने आगे के जवाब में आपने बताया कि आपने इतनी सामाजिक सेवाएं की हैं, आप समाज के साथ जुड़े हुए हो, फिर सेवा का माध्यम के लिए पॉलिटिक्स क्यों? आप एक बात बताइए, आप कोई भी काम संस्था के द्वारा करेंगे तो उसकी लिमिटेशंस आ जाएगी। एक संस्था के पास कितना पैसा होता है? जो धार्मिक कार्य करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, बहुत लिमिटेड फंड होता है, और वो फंड भी आपस में एक दूसरे से लिया जाता है। पर सरकार एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश को और पूरे राज्य सरकारों को, राज्य के पैसों को जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पे यूज किया जा सकता है, और वहाँ पे विधानसभा में बैठ के मेरे क्षेत्र को, फिलहाल मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान दिलाऊंगा कि इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है और आप इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए पैसा दीजिए। तो सरकार के पास पैसा होता है, संस्थाओं के पास तो एक लिमिटेड फंड होता है, तो लिमिटेड फंड के अंदर तो मैं काम कर ही रहा हूँ, पर मुझे अब लगा कि यहाँ पे आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो ये एक माध्यम है उसका। दंपत जी, मौजूदा विधानसभा मत क्षेत्र में कांग्रेस के संगठन के नाम शून्य है, शायद आपने नए सदस्य से पूरी शुरुआत की है, ऐसे संगठन से आप कितने दिन टिक पाओगे? देखो, हमेशा शुरुआत कम चीज़ों से होती है पर धीरे धीरे बढ़ जाती है। आप मत सोचिए संगठन नहीं है, संगठन है, क्योंकि आप जिस विस्तार में रहते हैं यहाँ पे सब बिल्डिंग बंगले ज़्यादा हैं तो बाहर दिखते कम हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ना कोई दिक्कत है। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ लोगों के झुंड के झुंड जुड़ रहे हैं और कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, और है जो हैं वो हैं और अब जुड़ रहे हैं, और आप देखना इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। दंपत जी, कमिटेड वोट्स कांग्रेस के कितने होंगे?
नहीं वो कहना कांग्रेस के कोई कमिटेड वोट नहीं समझता, कांग्रेस के प्रति लगाव वाले जो लोग हैं जो कांग्रेस को पसंद करते हैं वो वोट है। लेकिन कांग्रेस को कोई क्यों पसंद करेगा, क्यों उनके साथ लगा होगा? केंद्र सरकार की जो भी विफलता है, केंद्र सरकार की वजह से जो मंगवारी यहाँ पर हुई है, केंद्र सरकार की वजह से जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं, जो ऐसा लोग बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, तो इससे तो खुश होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कांग्रेस के प्रति। निखिल भाई आपने जो सवाल किया सिर्फ हंसी आती है, केंद्र सरकार विफल है ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, इकोनॉमिक्स वो समझते हैं, पूरा वर्ल्ड जब मंदी के मार में था तब सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार ने हिंदुस्तान को बनाए रखा और यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं हुई। बाहर के देशों में देखिए पश्चिम जैसा टूट गया, तो हम लोग तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आप रहते भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बहुत बड़ा समूह होता है, एक आध गलत आदमी हो सकता है अंदर, तो लंबी लाइन लगी हुई है कांग्रेस में। नहीं नहीं साहब, मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता देता हूँ, आप बता दीजिएगा कांग्रेस भ्रष्ट है या भाजपा का मुखिया, जिसको घर का मुखिया बोलते हैं, बंगोरा राव लक्ष्मण जैसे लोग लाख रुपया लेते हुए कैमरे के सामने रंगे हाथ पकड़े गए, वो अच्छी संस्था है, अच्छी पार्टी है। अभी प्रेजेंट भाजपा के देश के प्रमुख गडकरी जी, कभी उन पे आक्षेप लगता है जमीन खा गई, हम तो नहीं, कांग्रेस वाले तो बोलते ही नहीं है, जेठमलानी जी बोल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं, जसवंत सिंह उनके ही लोग बोल रहे हैं, जिसका मुखिया भ्रष्ट हो उसके नीचे की बातें क्यों करते? तो आप पार्टी पे और कांग्रेस पे ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ एकाध लोग कोई गलत निकल सकता है, पर यहाँ तो मैन घर का मुखिया ही भ्रष्टाचार से लिप्त है और उनको तो बोलने का राइट ही नहीं। धनपत जी, कांग्रेस का व्यक्तिवाद कांग्रेस को बहुत तकलीफ दे रहा है, कोई एक ही फैमिली के लोग अगर आते रहेंगे तो इस कांग्रेस में बाकी लोगों का विकास कब होगा? आप क्यों समझते हैं कि आप पत्रकार हैं, मीडिया का आपका बिजनेस है, तो आपका बच्चा आके पत्रकारिता में बैठेगा तो आप मना बोलेंगे? वो करेगा काम ऐसे ही राजनीति में, उस परिवार का योगदान पूरे देश में है और वो सेवा करना चाहते हैं और देश में 60 साल से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, और यदि उस परिवार का कोई आदमी आके और सेवा करना चाहता है तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए। उसमें आप कहाँ से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए वो बीच में अड़चन है? नहीं, वो कांग्रेस को दिन बे दिन मजबूती देते आ रहे हैं। धनपत जी, आप बिजनेसमैन हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर जो भी कुछ लगी हुई है उसका एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एक विकास हुआ है, और ये विकास के जरिए गुजरात का नाम पूरे देश में हुआ है, इस विकास को आप क्यों नज़रअंदाज करते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इंडस्ट्री तभी बनेगी जब शांति होगी, कानून होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी। गुजरात में ऐसी स्थिति है, सूरत में ऐसी स्थिति है, ये दोनों चीज़ों को आप नकार कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं नकार रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस था तब नहीं था क्या? बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है, सूरत से गुजरात से ज़्यादा है। और रही बात यहाँ पे इंडस्ट्री की है, तो इसमें गुजरात सरकार का कोई लेना देना नहीं है, व्यापारी अपना पैसा लगाते हैं, अपने पैसों से इंडस्ट्री लगाते हैं, और इंडस्ट्री लगती है हमेशा हवामान पे। सूरत का हवामान टेक्सटाइल को लेके सूट होता है, यहाँ पे कपड़ा डाइंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो यहाँ के हवामान के हिसाब से लोग यहाँ आए। कौन सी राज्य सरकार का एक यूनिट है या गुजरात सरकार का एक यूनिट है, आप मुझे बताइए, जो गुजरात सरकार का प्रोग्रेस किया हुआ है? सारे लूम्स में उत्तर गुजरात के लोगों ने यहाँ आके काम किया है, काठियावाड़ से आके लोगों ने काम किया है, राजस्थान से आके लोगों ने काम किया है, और सारे व्यापारी पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, काठियावाड़ी, उत्तर गुजरात के लोग और प्रॉपर सूरत के खत्री लोग, घांची लोग, इन्होंने डेवलपमेंट किया। उसमें बीजेपी वालों का क्या लेना देना है? मेरा बिजनेस है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो मेरी दुकान बन रही है, मेरी बिल्डिंग बन रही है, मार्केट में बन रहा है, उसमें राज्य सरकार की क्या कौन सी हिस्सेदारी है? एक आप बताइए और एक ढूंढ के मुझे बताइए कि राज्य सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र में ये मदद की। आप बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं,
तो मोदी जी ने किया है, मैं मानता हूँ आपकी बात, नैनो वालों को दिया है 30,000 करोड़ रुपया, वो हम जैसे छोटे लोगों को लेके किया है। एसआर वालों के 9,000 करोड़ बाकी हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलती है वसूल कीजिए, वो नहीं कर रहे, हाँ उन्होंने उनका किया है। आम जनता और आम पब्लिक के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे एक एक वाक्य बताइए, सिर्फ होर्डिंग्स, बड़ी बातें पेपर में, न्यूज़, और जहाँ जाए मोदी मोदी मोदी। भाजपा का नाम लेना ये पसंद नहीं करते, जिस परिवार से आते हैं वो गोत्र बोलने को तैयार नहीं है। आप जबरदस्ती विकास के नाम पे ये चढ़ा रहे हैं, ठीक है, जोर से बोलो, बार बार बोलो और झूठ बोलो, ये इनका काम है। जितने कांग्रेस में नेता, इतने गुट, इतने जूथ, और इस जूथबंदी की वजह से काफी सालों से आप सत्ता से दूर रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति क्या है? नहीं, जूथवाद की बात नहीं होती, घर में 2-3 भाई होते हैं, परिवार में 2-3 भाई होते हैं, और तीनों भाइयों का हो सकता है थोड़ी बहुत विचारों में फर्क हो। आज हम 4 भाई हैं, हमारे 4ों के बच्चे हैं, तो उनके विचारों में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, क्योंकि हर आदमी के विचार अलग होते हैं। उससे न पार्टी में कोई तकलीफ है, न गुटबाजी जैसी कोई बात है। हमारे यहाँ पे बड़े लीडर्स काफ़ी हैं, और वो जब बात करते हैं तो हर आदमी ये सोचता है कि मेरा आइडिया अच्छा होगा, तो वो बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं किसी को लग जाता है गुटबाजी है, पर ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं अभी तो पिछले 18 साल से हूँ। और जहाँ बातों और विचारों का फर्क आता है वो तो हर जगह होता है। दंपत जी, अंतिम चरण में हम प्रवेश करते हैं, कांग्रेस में आपका मॉडल आदर्श कौन है, और जीवन में आपका मॉडल आदर्श कौन है? मेरे कांग्रेस में जो आदर्श हैं वो हमारे सोनिया जी हैं, इंदिरा जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी जैसे थे, राहुल जी आज मेरे हम उम्र हैं तो वो हमारे मॉडल हैं, और मेरे जीवन में मेरा आदर्श और वो था तो मेरे मम्मी पापा हैं। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शन के लिए, आने वाले चुनाव के लिए। तो दर्शक दोस्तों, ये थे धनपत जी जैन, मौजूदा विधानसभा मतक्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी, अपने विचारों के साथ। सूरत चैनल का चुटनी चक्रव्यूह का टक्कर कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपके दोस्त निखिल मद्रासी और साबिर अली सैयद को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।